सफल होने के लिए सिर्फ ज्ञान पाना ही काफी नहीं है, बल्कि एक अच्छी पर्सनालिटी बनाना भी इसके लिए उतनी ही जरूरी है। यही समझा जम्मू की गीतिका कोहली ने और शुरू किया थिंगस्टा नाम का एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट पोर्टल। ये पोर्टल सिखाता है कि लाइफ में नॉलेज से ज्यादा जरूरी है उस नॉलेज का सही इस्तेमाल करना। शुरू में मैंने काफ़ी जॉब्स की, एचआर में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में और बहुत सी जॉब्स की, लेकिन हालांकि मैं जॉब्स में सीखा बहुत और एक्सपीरियंस बहुत गेन किया, अच्छे मेंटोर्स भी मिले, बट एक इनर सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिला। हमेशा मैं ये चाहती थी कि मेरा खुद का एक कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सोसाइटी को एक बड़े लेवल पे। गीतिका ने बताया कि किस तरह उन्होंने कदम दर कदम इस पोर्टल को खड़ा किया और अपने स्टूडेंट्स को तैयार किया। शुरुआत मैंने एक वर्कशॉप से की, जब वो अच्छे से हुई तो फिर वो एक सेंटर में तब्दील हो गया, फिर वो सेंटर बनाया, फिर हर महीने हम नया कोर्स इंट्रोड्यूस करते थे, फिर हमने इसे कंपनी की तरह लॉन्च किया क्योंकि बहुत काम हमारा बढ़ गया था और बहुत सारी चीज़ें हम करने शुरू हो गए थे। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स है, इसमें मैम हमें वोकैबुलरी के वर्ड सिखाती हैं, फिर उस पर एक टॉपिक मिलता है हमें और फिर हमें उसके ऊपर प्रिपेयर लिखना होता है वो वर्ड्स इंक्लूड करके, और फिर वो हमें कैमरा सेशन देनी होती है उसकी। गीतिका ने जीवन की उन खूबसूरतियों पर भी ध्यान दिया जिन्हें लोग अक्सर भूल जाते हैं या कभी ध्यान नहीं देते, और वो है साहित्य। अपनी रेगुलर लाइफ से चीज़ों को कैसे ग्राप करके एक अपनी लैंग्वेज में लिखना कि नेचर कितना ब्यूटीफुल है, लोग नहीं देखते, 90% नहीं देखते, बट एज अ पोएट हमें हर एक चीज़ देखनी पड़ती है, हर एक चीज़ समझनी पड़ती है। गीतिका का मानना है कि टेक्नोलॉजी ने टैलेंट को पहचानने और निखारने में काफ़ी मदद की है। ये भी सीखा कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम कैसे एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे में ज़्यादा लोगों तक रीच कर सकते हैं, और इसने मेरे और बहुत सारे इनिशिएटिव्स को उड़ान दी। मैं और जितने भी इनिशिएटिव्स मैंने क्यूरेट किए उसमें मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिला इसकी वजह से। तो ये थी आज की पॉजिटिव स्टोरी जम्मू की गीतिका कोहली की। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।